साहब, नो वायलेंस की बात करें तो आज पुलिस ने मोनू डिटेंशन में लिया है, तो उसको कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि आप लगातार जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, आज पुलिस ने मोनू मानेसर को डिटेन हमने किया। तो आज भी मांग ये है कि वहां पर जो है जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जरिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल होगी। और मुख्यमंत्री का ये बयान आया था कि ये सोची समझी साजिश है। किसकी साजिश है ये कौन बताएगा? जुडिशियल इंक्वायरी बताएगी। पर मोनू मानेसर की जो आज व्यक्तिगत बात जी मैं कह रहा हूँ, जुडिशियल उसमें कोई हो, मोनू हो और कोई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो है किसकी कमी से हुई, कौन साजिश करता थे, सब बात खुलनी चाहिए और सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी द्वारा ही पता लगता। गोपी धनखड़ जी कहते हैं कि जो नूर हिस्सा हुई है उसमें गोपी धनखड़ जी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि पूरी की पूरी साजिश होगी वो कांग्रेस की साजिश थी नूर हिस्सा को लेकर। वो तो मैं मांग रहा हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी करो, हाईकोर्ट के जज के अंदर पता लगना चाहिए सर मामला। कौन किसकी सोची साजिश होती जी। सर बाबर खान भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हो रहे जांच को लेकर, विधायक हैं वो जाने भाई। कांग्रेस कांग्रेस के इधर से कार्यकर्ताओं में काफी भिड़ंत जो है वो बीते दिनों देखने को मिली, दो ऐसे कसार के ग्रुप का जिक्र करें, जो आपके ग्रुप का जिक्र करें, दोनों ही ग्रुपों के जो कोई गुट नहीं है गांधी कांग्रेस में, कोई गुट नहीं सर। गुट नहीं है जिस तरीके से नारेबाजी हुई सर, नारेबाजी नारेबाजी लोग ये तो दिखाता है कांग्रेस में लोग जान है। जो भी राजनीतिक दल है अगर मतलब उसमें हो ये तो ऊर्जा सर जो लेटर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया था, पहले देख जो लेटर जारी किया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि इस दौरान किसी भी तरह का अगर शक्ति प्रदर्शन होता है या नारेबाजी होती है तो अनुशासनहीनता होगी। आप एज सीनियर लीडर क्या मानते हैं, देखा नहीं